हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। दोस्तों आज मैं सुबह से बैठा हूँ और सोच रहा था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लगाऊं, तो मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना कि अपने यूट्यूब के कमेंट्स में जाके देखूं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लगाऊं। तो जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े तो मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जिस पे हर किसी पे मैं वीडियो नहीं बना सकता था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि आज मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज मैं आपके और आपके सब लोगों के कमेंट्स के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर आपको ये अकाउंट नजर आ रहा है, आपने इन भाई का यूजर नेम टिकटॉक पे जाके सर्च करना और भाई को फॉलो करना। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट इसी तरह अपनी वीडियो में लगाऊं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं कोई क्लू आएगा जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका स्क्रीनशॉट किस तरह लगेगा। तो सबसे पहला कमेंट जहाजेब खान भाई का है। तो कमेंट है भाई का, क्रिएटर बीटा प्रोग्राम में क्वालिफाइड व्यूज कैसे ले, ट्रिक दें। तो भाई, क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम में क्वालिफाइड व्यूज लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जरूरी है कि आप रेगुलर वीडियोज पोस्ट करें। डेली 3 कर रहे हैं तो डेली 3 वीडियोज पोस्ट करें। अगर आप क्वालिफाइड व्यूज ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं, या आपने जो भी वीडियो लगानी है, आपने 1 मिनट से ऊपर की वीडियो लगानी है, साउंड आपका अपना होना चाहिए और वीडियो पूरी आपकी अपनी होनी चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और हैशटैग मोनेटाइजेशन और हैशटैग USA ये आपने अपनी हर वीडियो में यूज करना है, आपके क्वालिफाइड व्यूज बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ। अजहर स्वाति भाई ने कमेंट किया है, भाई आज 2 साल से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं मगर आपका कोई रिप्लाई नहीं दिया। यार, रिप्लाई देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर किसी को रिप्लाई दूँ। अगर आप मुझसे ज़रूरी कोई बात करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाएं और वहाँ पर बायो में एक मेरा लिंक लगा हुआ जो कि मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप वहाँ से जाके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि उस्ताद जी मैं वही बंदा हूँ जिसकी आपने एक वीडियो भी लगाई थी। तो चलिए तीसरा कमेंट देखता हूँ। तीसरा कमेंट है, एक ही नंबर से 3 अकाउंट नहीं बन रहे। यार, एक नंबर से 3 अकाउंट नहीं बन रहे क्योंकि मैंने एक वीडियो लगाई थी, आपको याद होगा 3 महीने पहले शायद मैंने भी वीडियो लगाई थी कि एक नंबर पर 3 अकाउंट बनाओ। तो वीडियो आपने पूरी नहीं देखी होगी जिस वजह से आपको समझ नहीं आ रही होगी। फिर भी शॉर्ट सा मैं यहां पर भी बता देता हूं, ये आप वीडियो भी जाके डिटेल से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और वीडियो ये थी कि यार ये आपने सबसे पहले जो अकाउंट बनाना वो 0300 जो भी नंबर है वो आपने लगा के एक अकाउंट बना लेना है, या जो भी बाकी डिटेल है यार आप एनीवे वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको वो भी समझ आ जाएगी। वीडियो के शुरू में मैंने एक बंदे का स्क्रीनशॉट लगाया था और क्लू मैंने आपको कहा था वीडियो के अंदर दूंगा। क्लू ये है कि आप लोगों ने मेरी इसी वीडियो के कमेंट्स में जाना है और वहां पर ये लिखना है कि इस वक्त मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कितने हैं और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इस पे इस वक्त कितने लाइक हैं। तो जो मुझे चौथा कमेंट आया वो ये है, जब USA का अकाउंट बनाने के बाद VPN की जरूरत होती है, मतलब कि टिकटॉक यूज करते हो VPN लाजमी है कि नहीं। भाई मेरी बात सुने, USA से आपने अमेरिका से अकाउंट क्रिएट जब करवा लिया उसके बाद आपको VPN की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद मोनिटाइज, मेरा अपना अकाउंट है यार, मैंने कोई VPN नहीं लगाया होता, मैं पाकिस्तान में बैठ के अपलोडिंग कर रहा होता हूँ, मैंने पाकिस्तान के ID कार्ड से मैंने अप्रूवल ली है। आपको पता होगा मैंने वीडियो लगाई थी कि ID कार्ड से किस तरह अप्रूवल लेते हैं। तो चलिए अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट है, उस्ताद जी 2024 में कौन सा अकाउंट बनाना है, पर्सनल या बिजनेस, पोइट्री के लिए। तो भाई अगर आप पोइट्री के लिए पूछते हो पोइट्री के लिए अगर आप कहते हो तो फिर आप पर्सनल ही बनाओ, क्योंकि बिजनेस अकाउंट और चीज़ों के लिए होता है, जो आप लोग मेल वगैरह लोग करनी होती है जिन लोगों ने, या आप लोगों ने बायो में अपना लिंक वगैरह लगाना होता है तो उसके लिए आपको बिजनेस चाहिए होता है। लेकिन अगर आपका पोइट्री टॉपिक है तो मैं नहीं समझता कि आपको बिजनेस बनाना चाहिए, आप पर्सनल अकाउंट बनाओ, पर्सनल पे भी उसी तरह व्यूज आते हैं। तो अगला कमेंट मेरे पास आया, एक वीडियो को रीपोस्ट करना है या सारी वीडियो को। यार मैंने एक वीडियो लगाई थी कि वीडियो वायरल करना चाहते हो तो वीडियो को रीपोस्ट करें। तो भाई एक वीडियो को आपने रीपोस्ट करना है। जिन लोगों को नहीं पता कि वीडियो वायरल की न्यू ट्रिक क्या है तो मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो ये भाई कह रहे थे कि सारी वीडियो को रीपोस्ट करना है कि एक को। भाई आपने एक वीडियो जो लगाई उसको 1 घंटे के अंदर अंदर रीपोस्ट करना है, ये नहीं कि आपने आज वीडियो लगाई 3 दिन के बाद उसको रीपोस्ट कर रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं। बाकी सारी डिटेल मैंने वीडियो में बताई हुई है। इससे अगला कमेंट है, सर मैं आउट ऑफ कंट्री आया हूँ, मेरे 47 के फॉलोअर्स हैं और इधर मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, मैं व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ।
तो भाई आप आउट ऑफ कंट्री गए हैं और आपके व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे, हालांकि 47 के फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब है आपके पहले व्यूज अच्छे आते होंगे। तो भाई आपने जब आउट ऑफ कंट्री गए होंगे तो सबसे बड़ी आपने गलती ये की होगी कि आपने अपने मोबाइल में आउट ऑफ कंट्री की सिम डाल ली होगी, जिस वजह से आपके अकाउंट का रीजन चेंज हो गया। जब आपके अकाउंट का रीजन चेंज हो गया, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप स्पेन गए हो, आपने स्पेन की वहां से सिम ली, अपने अकाउंट मोबाइल में डाली, तो आपका रीजन तो हो गया स्पेन। इसका मतलब जो भी आप अपने अकाउंट से वीडियो पोस्ट कर रहे हो वो स्पेन में जा रही, और आपका टॉपिक उर्दू में होगा क्योंकि आप पाकिस्तानी थे। उर्दू टॉपिक अब स्पेन वाले बंदों के पास जाएगा, वो स्किप करेंगे, जब वो आपका अकाउंट आपकी वीडियो स्किप करेंगे तो भाई आपकी वीडियो आगे चलेगी नहीं। सिम पाकिस्तानी होनी चाहिए, कहीं से वाईफाई लगाओ, किसी भी कंट्री में कोई भी वाईफाई लगा लो और वहां से वीडियो पोस्ट करो, आपकी वीडियो डायरेक्ट पाकिस्तान के फॉर यू पे चलेगी। तो नेक्स्ट कमेंट मेरे पास आया, भाई मैंने 8 डिफरेंट कैटेगरीज पे अकाउंट बनाया है टिकटॉक पे अलग अलग जीमेल से, बट एक भी आज तक वायरल नहीं हुई। आई थिंक इसलिए भी ओनली मनी चाहिए, यानी कि पैसे वगैरह लगते हैं। भाई पैसे वगैरह नहीं लगते, अगर आप में टैलेंट है ना तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने 8 अलग अलग कैटेगरीज पे अकाउंट बनाया है तो भाई आप तो कोई मास्टर बंदे हो यार। ऐसे तो नहीं होता है। मेरे जैसा बंदा या मैंने इतने वायरल वायरल बंदे देखे, भाई हम एक टॉपिक पे पूरा नहीं उतर सकते, आपने 8 किस तरह पकड़ लिए। तो भाई कोशिश करो 8 की बजाय ना आप किसी एक टॉपिक पे पूरा फोकस करो, एक टॉपिक पे फोकस करो, आप वायरल हो जाओगे। 8-8 टॉपिक पे कभी भी कोई बंदा वायरल नहीं हो सकता। एक टॉपिक पे चले, वो आपने मिसाल भी सुनी होगी कि 2 कश्तियों पे पांव रखोगे ना तो दरमियान में गिरोगे। इसलिए 8 कैटेगरीज को छोड़ के एक टॉपिक पे वीडियो बनाओ, आपकी वीडियो पक्की वायरल होंगी। 8 घंटे अगर आप 8 चीजों को दे रहे हो, इसकी बजाय अगर वही 8 घंटे एक चीज को दोगे तो आप वायरल हो सकते हो। सोचो, ये कुछ कमेंट्स ऐसे जो मैंने फिल्टर किए थे तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसा कमेंट या ऐसा कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के कमेंट्स पर बनाकर मैं ज़रूर लगाऊंगा। और इसके अलावा टिकटॉक के ट्रेंडिंग अकाउंट्स खरीदना चाहते हैं, टिकटॉक की किसी तरीके की सर्विसेज, यूट्यूब की, फेसबुक की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे मैनेजर का नंबर है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको 2 वीडियोज़ और नज़र आ रही होंगी, कमाल की वीडियोज़ हैं, ये ज़रूर देखिएगा। ऑलरेडी मैं इस पीछे बता के भी आया हूँ कि ये वो 2 वीडियोज़ हैं जो आप देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी, फॉलोअर्स भी आपके ज़्यादा हो जाएंगे, आप वायरल भी हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।